INDIAHISTORY, ठीक है, इंडिया हिस्ट्री होगी शुरू। अब इंडिया हिस्ट्री चाल ही थान लागे, दो दिन हम पूरा हो जाओ टॉपिक ले, एक महीने चलाऊंगा। तो आप कहते बोले तो इडा इडा ही है तो इंडिया हिस्ट्री का, तो छोटो टॉपिक कौन सही को नहीं है, सारा ही है। फिर गांधी करवा दिया, फिर पान कहांगा एक दो मौर्य गुप्त वह करवा देगा, या करे सल्टाऊंगा और क्या करा। राष्ट्रीय आंदोलन बाधा हो, हाँ बोध एक दिन में ही कराती हूं, पहले अंग सा लड़ांगा, क्यों रहने दू बीच के रह गयो, कड़े मेवाड़ पूरा करा दियो, तो राजस्थान का एक दो टॉपिक बांध दियांगा, तो अब यहां तो पूरा हुए गोंदे को एक जनो दो। आप सोचो का एक जनो राजस्थान और इंडिया दोनों करा दे तो 12 महीना चाहिए, इतो टेम तो ला गई गो। गांधी कोई लंबो छोड़ो को नहीं, थोड़ा सा ओ बड़ो पोर्शन है। ए भाई ना बोल, तू मास्क लगाई, तू बात करण खात लगा रखी है मास्क, तो आवाज सही आ रही है नी, सही आ रही है नी, करो चालू, कल संडे लगवा देंगा मांगी, फिर करवा दें पूरा, चिंता ना करो। क्या क्यों हो समझ में को नहीं आ, समझ तो लियो। होश के मुगल शब्द मंगोल नु बने हो गयो, होश के कन्फर्म को नहीं है, आवाज ही आ रही नहीं, तो ज्यादा टेंशन ना लो, पे लिखाओ लिखो ही बाद में देखांगा, की समझनो समझनो तो करा, लिखाना ही बाद में देखा, टेम मिलो तो लिखा दिया, नहीं नोट्स दे दिया सीधा सीधा। वैसे बताया जाता है कि मुगल शब्द का अर्थ साहसी होता है। एक जंगल बुक एक किताब है, किंग है जंगल बुक, मोगली, मोगली यारी बता, मोगली थोड़ी केड़िया, हो सकता है रुजवर्ड क्लिपी, हो सकता है उसने जो शब्द लिया है मोगली वो इनसे लिया होगा, मुगल से, जबकि मुगल जका खुदा नहीं, वह अपने आप ने मुगल कहलानो ज्यादा अच्छो कौन समझता। जैसे रूस का एक व्यक्ति था, जार था वहां का, उसने पत्र लिखा था, डट जाओ देवियो, डट जाओ, नहीं गाड़ी गलोच के लाई जाऊंगा मैं, आश्रम वेब सीरीज देख के 10 गाड़ी और सीख रखी है मैं, इन्हें देख लियो। हाँ, रूस का एक जार था, उसको पत्र लिखना था औरंगजेब को, तो पण पूछो गए यार के शब्द लिखू जो कम, औरंगजेब राजीव है, बोले वो मुगल तो लिखी ना दे, नहीं तो गाड़ी गलो उस पर उतरी आओगे, वो बोल तो के लिखा, सहनशाह शब्द लिखो, जबकि मुगल खुद जका है नहीं, वे अपने आप ने तैमूर का वंशज कहना ज्यादा खुशी महसूस करता, यानी तैमूरिया। बाबर जो को है वो आपको आदर्श की न मानतो, तैमूर नहीं माना करते, क्योंकि बाबर को है, तैमूर जो है, तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था बाबर, तो अपने आप ने, क्योंकि तैमूर ने बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया था, बहुत बड़े साम्राज्य पे अटैक किया था उसने, भारत पे भी अटैक किया था तैमूर ने, तो इंग आधार किया जको शासक तकड़ो रेडो है, आप हमेशा बिनी आदर्श मानांगा, या फिर कमजोर ने माना भी जको भारत का अटैक करेडो है, साम्राज्य को बहुत बड़ो करेडो है, बिनी आपा मानांगा बहुत बढ़िया शासक, और मैं तो बिंगा ही वस जा, तो ए अपने आपने किंग महसूस माना करता, तैमूर का अपने आपने के कहलाना में खुशी महसूस करता, तैमूरिया। अब मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, भारत ने तो एक बार साइड में छोड़ दिया, इन्हें छोड़ दिया भारत, इधर चलते हैं, एक जगह है यहां फरगना, फरगना से थोड़ा पश्चिम की ओर आप चलोगे तो इधर एक जगह है सफरगंज, सुनेडो एक दिन आप है, कौन सुनेडो, इसके दक्षिण में जगह है बादबक्स, सुनेडो है कौन, सुनेडो इंग इन्ने जगह है काबुल, सुनेडो है हा? क्यों उज्बेकिस्तान में इन्ने पड़ जाए, परगना मध्य एशिया में, काबुल अफगानिस्तान में है, फिर इन आ गयो भारत, ये एक प्रकार से मध्य एशिया की एक देश है, क्योंकि अंग अपन जरूरत पड़ेगी सफरगंज, इंग इन्ने इन्ना आ गया उज्बेक नेता है सेवानी खां, बस समझ लो है बैठे आरो साजा बन गए, जहांगीर बन गया बेटो, मन्ना नारकली समझोगे, नारकली लाग रही है इस पठान ने,
टॉपिक है, एक तो लंबो बहुत है पोर्शन, मुगलों पे स्पेशल किताब लगती है। मैं पूरा डिटेल समझाती हूँ, नोट्स देती हूँ, क्योंकि आप लिखण और दोनों काम करा एक महीनो लागेगो, और ऑफलाइन में चीजान करवा बहुत ना 7-8 दिन हम लगाती हूँ नाखो, फिर 7-8 दिन हम थान समझाती हूँ आराम बढ़िया तरीकों पर चौड़ा होगी बैठो। देखो फरगना के अंदर दो व्यक्ति और व्हाइट क्यों आज ये यहां राज कर रहा है उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा ए नाम देखो इसे ये थाने याद करना पड़ेगा, कोई लाज को नहीं, मैं रट्या तो थाने भी रटना पड़ेगा ये नाम, बाद बक्स ने एक बार छोड़ो। उमर शेख मिर्जा गए एक पत्नी कुतलू निगार बेगम, कुतलू निगार बेगम सोरो नाम है नी है, उमर शेख मिर्जा है शासन कर रहे है कट है फरगना को, कुतलू निगार इंग घर आ रही है हाँ दोनों आगे एक टाबर जामे को, उमर शेख मिर्जा और कुतलू निगार बेगम गए कितना तारीख ने जामे को, वो जामे को वेलेंटाइन डे ने 14 फरवरी 1483 इंगो मतलब आगे मुलाकात हो 14 नवंबर ने, नौ महीना ही 14 नवंबर नौ महीना नौ ही वेनी है ठीक 14 फरवरी 1483 सांगा को जन्म है 82 और एक टाबर को जन्म हुआ है जके को नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी बाबर को जन्म वेलेंटाइन डे नड़े 14 फरवरी 1483। अब देखो कि वो टाबर होशियार बहुत है, क्यों होशियार है टाबर होशियार कद हुआ को, या तो बचपन में भी ना अच्छो अनुभव मिले डोवे या फिर गठे न गठे जात को असर पक्को आवे, हर आदमी माओ थार में ही थारी जात को असर आओगो, अगर नहीं आवे तो सकल मिलाओ के मिले, क्योंकि जात का असर हर आदमी में आएगा, इंगमा भी आओगो, लेकिन इंगमा दो जातियां गुण आ रहे कौन से को, उमर शेख मिर्जा ये तो था तैमूर वंश से, बहुत खतरनाक वंश हो रहे तैमूर को नाम सारा को सुने डे, तैमूर की 5वीं पीढ़ी से, और ये है मंगोल वंश से, मंगोल और ही खतरनाक रेड है, दोनों खतरनाक जातियां, यानी इंग मां तो मंगोल है और बाप की है तैमूर वंश से, दो खतरनाक जातियां का गुण और एक आदमी मारे है किंग मां, अगर दो जातियां का गुण अगर एक व्यक्ति में आओगे या तो वो बन जाओ जी एक मिश्रण करके एक बनाए नहीं खच्चर बनाए नहीं देखियो गयो खच्चर कौन देखे बिन रिमिक्स करके बनाए डो है, अब के बन गयो ऊंट जी तो वजन ले जाओ, भी दो जातियां गुण अगर एक आदमी माया तो या तो वो खतरनाक बनेगा या फिर जांगीर जी से बनेगा, वो जांगीर में देख लियो आपने भी वर्तमान में एक दो नेता है नाम लिया बढ़िया को लागे, दो जातियां का गुण अगर एक में आवेगा तो या तो वो खतरनाक बनेगा या फर्जी बनेगा, वो जांगीर देख लियो की है जी ये दो जातियां गुण है जांगीर में मुगल और राजपूत इंगमा भी दो जातियां है, अब के टाबर अनुभवी कद बने आवाज से अरे पंखला बंद कर दे रहे किन लागे गर्मी किन लागे रहने दो चूल्हे कन फूंक मार मार बंद करो बंद कर, कितनी बढ़िया बात बताने लाग रहे हो कोनियारी बंद कर दियो पंखा तो बंद कर ही दियो कितनी शांति है, हाँ अब सही है अब सही है अब सही है बंद कर दे बंद कर दे वो भी बंद कर दे क्या फर्क पड़े तो शाबाश नौकरी लाग जाओगी ठीक है नहीं चुल्लो चुल्लम बे रोट अर बे फूंक मार बोगरो भांग इतना भी बीच में टब्बर रोएगो बाजगे बिनने जाओ इतना भी पापा रोन लग जाएगा, तो यहां करके जिंदगी बहुत दोरी है जी नौकरी नहीं लागो ही तो गर्मी लागे ले। देखो बाबर गए जब बाबर मात्र छोटो सो 1194 में कितना साल को होगो देख लियो सॉरी 1494 कितना साल को होगो 11 4 माह 8 दिनांगो एकदम टाबर इंगो बाप जो है उमर शेख मिर्जा वो छात पर चढ़ के इश्कबाजी करने लाग रहे हो इश्कबाजी समझोगे भारत में इश्कबाजी का खेल बाबर ने शुरू किया था इश्कबाजी मतलब लोंडियाबाजी को नहीं थे इश्कबाजी वह कबूतरबाजी कबूतर उड़ाने को गेम ताश को गेम भी भारत में कौन चालू करियो बाबर को ही क्रेड है वो कोई कबूतर उड़ाओ कबूतर जा करो वो पड़ो नीचे पड़ता ही पैको बोल गए उमर शेख मिर्जा कबूतर उड़ाती टेम वो टपक क्यों कितने वो बेचारो 11 साल हो
अब 11 साल को टाबर बेचारो क्या कर लेते बताओ, 11 साल को तो एकदम ही टाबर हुए है, पानी ने बू बोले 11 साल को टाबर। और वो 11 साल को इंगी दादी, कई जगह तो इंगी नानी, कई जगह आवा दादी, नाम दोनों आंगो एक ही है, आयशा दौलत बेगम। कौन है आ दादी मान लिया, आ बोली बेटा मैं उनी मन के अनुभव को नहीं, तू चिंता ना कर, तू राज सिंहासन बैठ, राज तिलक करूंगी तेरो मैं। यानी बाबर का राज तिलक जो है इसकी दादी ने किया, दौलत आयशा बेगम ने। इसीलिए एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, कुछ किताबें लिखती है कि इसकी नानी थी, किताब एग्जाम में पूछा था कि बाबर की नानी का क्या नाम था। अब पेपर देना सोचे यार नानी को नाम क्या भी पूछिए ले गठजूर ते, नाम हमेशा उसी शासक का, उसी का पूछा जाएगा जिसका इतिहास में कोई योगदान हो। महाराणा प्रताप की एक ही पत्नी का नाम पूछा जाता है, बाकी का तो नहीं पूछा जा रहा। बाबर का नो है लुगाई 19 टाबर है, नाम एक दो आगे याद रखना है अपन, क्योंकि इसका योगदान है इसे बादशाह बनाने, इसे शासक बनाने। बादशाह भी कौन बने, किंगो आयशा दौलत बेगम, याद रह जैसी। अब वो तो टाबर है, लेकिन टाबर के दिल में एक ख्वाहिश थी क्या आईएएस लागने, और आईएएस है ओ इंगी इच्छा आई कि मैं सफरगंज पर अधिकार करूं, क्योंकि सफरगंज 140 साल तक तैमूरों की राजधानी रही थी और यह तैमूर की भी राजधानी रही थी, बहुत समृद्ध शहर हो। अब जहां पर जिस सिंहासन पे तैमूर बैठा उस सिंहासन पे बैठने की इच्छा तो होगी, कभी मार पूर्व जाएंगी मैं वापस अधिकार करूं। अठे बाबर को काकुर शासन करने लाग रहे चाचो है सफरगंज, उमर शेख मिर्जा नाम है, याद थोड़ी करोगा, करोगा का देखो मैं तो बेलो बैठी हूं, मेरे तो याद है अमर शेख मिर्जा, ओके है उमर शेख मिर्जा। हाँ अब की है उमर अमर है, 100 मिल तो सोई नाम है। अब काके ने कहे बोल काका तू मेरे पर अटैक करने लग रही, इसने अटैक किया था, इन दोनों ने मिलकर अटैक किया था फरगना में इसके समय बाप के समय। बोल काका क्यों अटैक करे तू, किन्नी तो देगो फरगना, मतलब जीतेगो तो किन्नी तो सौंपेगो, यार मनी सौंप दे। आ है बाबर की एक बुद्धिमता, कितों श्यार आदमी 11 साल की उम्र में आ सोचे, लेकिन वो नटियो। लेकिन बाबर की इच्छा है कि मैं क्या न क्या करके सफरगंज पर क्या करूं, कब्जो करूं। सफरगंज पे बाबर 5 बार अटैक करेगा, बनता ही करेगा, एक तो 1400 बनने 296 में, एक 97 में, एक 98 में, एक 1500 में और एक 1511, 3 बार इसे जीतेगा और तीनों बार ही हाथों निकल जाएगी। टोटल 5 बार अटैक करेगा ये, 3 बार सफरगंज को जीतेगा। अब मैं बाबर ने अठ घुमाऊंगा कई देर तक, थे बोर ना हो बिना, मतलब इन क्या मैं घुमाने लग रहे, सीधो भारत में ही लिया, सीधो भारत में लिया कौन सका, क्योंकि बाबर कोई छोटो मोटो आदमी को नहीं है, इतिहास का बहुत अच्छा योद्धा है, बाबर के अंदर सारे गुण है, बाबर अच्छा योद्धा है, बाबर अच्छा सेनापति है, बाबर अच्छा राजनीतिज्ञ, बाबर अच्छा राइटर है। क्या बाबरनामा जो आज भी वैसे ही चलती है जैसे पुराने समय में चलती थी, बाबर अच्छा पिता भी था, बाबर में सारा गुण जितना गुण एक आदमी के अंदर होना चाहिए। और जीवन में आदमी समझदार कद बने, जो बाप आपके बेटे ने कोई काम नहीं सौंपे नहीं, या कहें देखे हो गए सब्जी लेने भेजे तो बाबू 3 बार फोन कर दियो, या फिर सब्जी लेने भेजे ही गुन बिन, या फिर जब ब्याह को काम सौंप दियो कि छोरा तू संभाली, वो टाबर होशियार बन जाओ, क्यों बिन बेरो पड़ जाओ, हलवाई की गड़बड़ करे, टेंटारो की गड़बड़ करे, पहली अनुभव जो अभी जान काम ही कौन सौंपे, अनुभव गठो बाबर ने अनुभव बहुत हो जाएगा। जदि तो बाबर छोटी सी सेना लेके आगे भारत पर कब्जो करेगा। अब बाबर ने पहली बार अटैक किया सफरगंज पे, उसमें तो हो गया असफल, कद 1496। दूसरी बार इसने अटैक किया 1497 और बाबर ने फरगना को जीत लिया, लेकिन किस्मत खराब, 100 दिन तक बैठे रहे उस सिंहासन पर, और पीछे से बाबर के भाई था जहांगीर मिर्जा, उसने फरगना में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करता ही बाइडो पाछो आन लागो भाज के, इतने में फरगना वापस हाथों निकल गयो, फरगना हाथों निकल गयो, ओ सफरगंज भी हाथों निकल गयो, बाजिए पाछो आन ला रहे हो, अठे अधिकार हो रही है इन भाई को। अब बाबर का भटकने का दिन हो गया शुरू, कोई जगह को नहीं, खोजंद की पहाड़ियां हैं, या कई बार पूछ लेते बाबर किन पहाड़ियों में भटका था, खोजंद
अट कुछ पहाड़ियां है अंगमा बाबर भटकना, क्योंकि बाबर को आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा जाता है। लास्ट में रोटियां की नौबत आ गई, मात्र 150 सैनिक बचे बाबर खंड, और एक ड्रेस ही कई साल कई दिना तक को नहीं उतारा। आ लतो जय बाबर की, आ पहाड़ियां भटक तो रहे बाबर इन्हें भी नहीं इन्हें पीने। फिर थोड़ो सो किए करगे फरगनांग ऊपर बाबर करे वापस से कब्जो। लेकिन दिमाग में एक ही चीज चल रही है के इंपरी अधिकार करूं बस की, बाबर और अटैक करेगा सफरगंज पर असफल। अब दोबारा फिर अटैक करेगा कद 1500 बड़ो फिर कब्जो कर ले सफरगंज पर। लेकिन वो परेशान करेगा बाबर ने, कौन है वो? सेबानी खान, वो एक उज्बेक नेता है। सराय पुल नामक एक स्थान पर बाबर की रिंगी लड़ाई बे, आ लड़ाई तो पूछ तो ले कई बार, सर ए पुल जगह पे 1501-2 में ये लड़ाई में बाबर हार तो जाए, लेकिन बाबर के वे हारे नहीं, पीछे सेना आ जाए अचानक, और बाबर देखकर पीछे गठू आ गई, बोले आ गई गठू एक तो एक पद्धति है तू लगमा। और बाबर भी दिनों एक नई पद्धति सीखी उज्बेकांगरों कौन सी? तुलगमा पद्धति। इसी युद्ध में इसे जानकारी मिली कि तुलगमा नाम की भी कोई चीज है। आर्ग्यो बाबर ने पकड़ लिया, बोले अब क्या करा तेरे साहब बता, बोले क्या क्या करो, मेरे बहन साग ब्यावड़ो कर ले तू, बड़ो बहन साग ब्यावड़ो करवा करो की गैल छुटाए क्यों से बांधी खाऊ। अब लास्ट इसे सहायता मिलेगी ईरान से, ईरान को साएंगे सहायता करेगा, बोले यार तू सिया धर्म को प्रचार कर दी, अरे तेरी मैं सहायता कर लू, तू सफरगंज जीत ले। तो लास्ट में 1511 में ये सफरगंज को जीत लेता है, क्योंकि सेबानी खान की मृत्यु हो जाए पहले, और फरगना पर भी बाबर के कर चुकी है अधिकार। अब चाला एक दूसरी जगह पर अठू कोई ज्यादा सिर्फ मैं ज्ञान जाड़ू थानिया लागणो चाहिए कि ठीक है हिस्ट्री को अच्छो नॉलेज है, और बाकी हो सके प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न आएगा अपने भारत के अंदर प्रवेश करने बाद। लेकिन जब ए चीजा सीखांगा नहीं, जदि बेरो चालो को बाबर जिया भटके भी कौन सी चीजा गठू सीखे, बड़ी चीजा सीख जाए बाबर। अब के बाबर भटकतो भटकतो और एक बार और एक गांवड़े में जा बैठे, एक 111 साल की डैंतियों मिले बैठो, कितना साल की है, 111 साल की, और भाई ने कहानी सुना, बोल बेटा आज एक कहानी बताऊं तन तैमूर की। अब तैमूर कौन है? खानदान को ही है। कहानी की सुन रहे सरदा दो पड़दा दो जो भी बिंग सुन रहे, बोल बेटा तैमूर एक आक्रमण करो भारत के ऊपर, अरे बड़ा दिल्ली भयंकर माल लूटी ले, भारत में तो सोनो और चांदी क्या ही कमी करी। बाबर ने उसी समय दिमाग में जचा लिया था कि इसका मतलब दिल्ली भी अपनी है, क्यों? क्योंकि दिल्ली पर अधिकार किया है तैमूर ने, भाई अपनी अठा पर सफरगंज के चक्कर मारे मेन चीज तो अपनी भी नहीं रह रही है, तो मैं कभी ना कभी भारत को भी जीतूंगा, क्योंकि ये भी मेरे पूर्वजों का क्षेत्र है। भी कहानी में प्रेरित हो गए, बाद में भारत पे अटैक करेगा बाबर। बाबर ने अटैक किया काबुल के ऊपर 1504 और बाबर ने काबुल को जीत लिया। अब जब भारत पे अटैक करेगा बाबर, उस समय बाबर कहां होगा? काबुल के अंदर। आगे चलूंगे कि पल्ले पढ़ रहे होगे, क्या पल्ले पढ़ रही है? इतिहास और पल्ले पढ़ रही है थारे, रैन दियो देखियो बढ़िया। हाँ समझ में आ रही है किस पर अधिकार कर लिया बाबर ने? कद 1504। अब बाबर का थोड़ा दिन ठीक आ जाएगा, यानी कदन का तो अच्छा दिन आवे ही आदमी का। 1504 में इस पे अधिकार किया, अधिकार करने के बाद बाबर ने एक नई उपाधि धारण की 1507 में बादशाह की। रियल तो है पादशाह, शब्द पादशाह है, इनको परिष्कृत रूप किए बादशाह। बादशाह की नई उपाधि धारण करे तो पहली की उमर शेख मिर्जा, बाप को नाम क्यों? उमर शेख मिर्जा, तो पहले उपाधि क्या थी? मिर्जा, जो जयपुर वालों को बाद में दी थी ना वही मिर्जा। बादशाह की नई उपाधि धारण की है। थोड़ा सा दिन बाद ही एक खबर और आ जाए, बढ़िया खबर। 1508 में बाबर की तीसरी पत्नी और बिंग माही बेगम बिंग जन्म हुए किंगो हुमायूं को, अभी अच्छी खबर है, आगे को वारिस भी तो मिल गयो। अब बाबर प्लानिंग कर रहे हो भारत पर अटैक करने को, कभी क्या क्या भारत ने जीता, तो अटैक कभी सीधे क्षेत्र पर कौन करियो जा सके? कभी राजधानी पे अटैक नहीं कर सकते। उस समय हमारे दिल्ली के ऊपर शासक कौन कर रहा है? इब्राहिम लोधी।
बाबर भारत पे टोटल पांचवा आक्रमण है पानीपत, लेकिन भी पहली भी कुछ अटैक करे, बंग बारम भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, चलो अटैक करा। सबसे पहले बाबर आएगा इधर से, और दो दुर्ग है, एक तो है बाजोर और एक है बेरा, झेलम नदी किनारे बेरा। 1519 में ये बाबर का भारत में पहला अटैक है। यहां एक जाति थी यूसुफजाई, आपको पता है अकबर के मित्र बीरबल की मृत्यु भी यूसुफजाई विद्रोह दबाते समय हुई थी। आ जाति जिकी बात तलवार के दम पर टैक्स लिया करती, आंगे खिलाफ ही कार्रवाई करे बाबर, यानी यूसुफजाई जाति के विरुद्ध पहला अभियान करेगा बाबर। बाजोर को जीता बाबर ने 1519, ये जनवरी में जीता, ये फरवरी में जीता। यहां पर इसने कत्लेआम भी किया, 3000 लोगों को मरवाया बाबर ने, और उसके बाद में इसने जीत लिया किसको, भेरा को, जो किस नदी के किनारे है, झेलम। बाबर लिखता है कि यहां हमने तोपखाने का प्रयोग किया, यानी भारत का प्रथम युद्ध जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ वो कौन सी है, बाजोर और भेरा, वो है पहलो अटैक। अटैक करके अठे सूंपिया आपका आदमी ने वापस आ गया बाबर गठे काबुल। वापस आता ही वापस विद्रोह की सूचना मिली, कह वापस विद्रोह हो गया बाजोर और भेरा। दोबारा इसने अटैक किया 1519 में, एक जगह है पेशावर है, ये भी अटैक कद है 1519। वापस सूचना मिली कि बादवक्स में विद्रोह गया, वापस आयो। तीसरा आक्रमण फिर करेगा ये सियालकोट पे 1520, फिर विद्रोह होने के कारण वापस से ले जाए। अब बाबर वापस से गठे काबुल के अंदर, ए तीन अटैक है, याद रखो तो रख लिया, ने रखो तो भी कोई बात को नहीं, एक याद रख लिया 1519 का बाजोर और भेरा। बहुत बढ़िया सुन वापर रही है, इतो दोरो भी को नहीं यार, अभी तक तो कुछ बतायो भी को नहीं, मैं क्यों हुई यहां क्यों समझ में को नहीं आ रहे हो हाँ? समझ में आ रही भी कोई बात को नहीं, कोई दोरो को नहीं, एकदम इजी है, तो अभी तक की बताया ही को नहीं मैं, अभी तक तो बाबर ने इन्ने बिन्ने भटकान लाग रहे हूं। जो दीद कहे बाबर जो है ना वो एक गेंद की तरह, कदी इन्ने उछड़ जा कदी इन्ने उछड़ जा, या फिर समुद्र के किनारे पड़े पत्थर की तरह जो पानी को झोंको लागे भी नहीं चल पड़े। अभी तक तो इंगा अच्छा दिन भी आया ही को नहीं। काबुल में कई बार किए गए, बाबुरी नाम का एक तरुण था, बाबर को उससे प्रेम हो गया था। क्यों बाबुरी के बताऊं तनब, आर मेरा सपन पाठ, मैं तन चाटू तू मन चाट, हो गयो बिंग, कविताएं भी लिखने लग गया था, शायरियां भी लिखने लग गया था बाबर उसके लिए। अब भारत में एक उथल पुथल माचेगी, बाबर अब कहां है, काबुल में, तीन अटैक करे, भारत में एक उथल पुथल माचेगी। पंजाब साइड का था दौलत खां लोधी, कौन है, दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी बुलाए। इब्राहिम लोधी एकदम अयोग्य, लोगों पर विश्वास नहीं करनो, मुख्य मुख्य इसके सरदारों को इसने कैद कर रखा था, ये टाइप को एक अलहड़ युवक है, आ मान लो बाबर तो खुद भी लिखा है वो मूर्ख युवक है, वो ये तरीकों चाल है, वो गठी जागे सेना रोक लेगो, गठी लड़ाई करने लग जाओ, गठी बैठ जागो, आ हालत आएगी इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी बुलायो दौलत खान ने दरबार में, दौलत खान खुद ने आगे आपके बेटे ने भेज दियो दिलावर खान ने। दौलत खान इब्राहिम लोधी पूछे ग्यारह तेरे बाप की अंगो नहीं, बोल बाबा पेट दर्द हो रहा, बोल पेट दर्द को नहीं, मेरा नाम सुन के दस्त लाग गया दिखे, बाजनू तेरे बाप ने बेच ई बात तू पतो लाग गयो के विद्रोही प्रवृत्ति गोरे इब्राहिम लोधी कदी सलटास के किन दौलत खान है। वो आगे बोले पापा चौकी चौकी तो काटिए गाल थाने, गाल बन भी सीख रखी है, अरे देख लियो क्या करो, ओ बोलो बेटा अब कोई इलाज को नहीं, अब जा बाबर खान, बोल वो गढ़ा है, बोल काबुल में, अन दिलावर खान ने भेजियो गठे काबुल, बोले आओ इब्राहिम लोधी के खिलाफ और मैं सहायता करूं, मेरे बाप थारी सहायता करो, बोले यार शर्म को नहीं आता रहे, थार मालिक के खिलाफ विद्रोह कर ला रहे, इसी का एजेंट है ये, इसी का आदमी है दौलत का, पंजाब सौंप रहा, बोले मालिक के खिलाफ को नहीं, मालिक ही से ये विद्रोह करण जो को ये वो सब ने कब्जे में कर रखे, मां बहन की गाड़ा काटे, ना कोई काम हुए ना हो रहे, एक खातर थे आओ। इतने में के हो इब्राहिम लोधी को एक काको आलम खां लोधी, अरे इंग सागे बड़ो लड़मरियो, क्योंकि वो भी दिल्ली गद्दी पर बैठा सपना देखो,
इन्हीं बोलो बोलो काका देखी पड़ी है तेरे नाम का की चोखी, तू तो क्या जोगो ही को नहीं है, इन सागो लड़ मरियो बड़ो। आलम खान लोधी, अब दिलावर खान लोधी आए बाबरकन, अरे आलम खान लोधी नहीं दिखे ये की रस्तो कुण बाबर, वो भी बाबरकन पूछ गयो 1521 के लमसम पूछे दोनों एक ही टीम। बाबर सोचन लाए जी यार लोचो की है, दो निमंत्रण आ गए, अरबे किंग के खिलाफ आ गए, इब्राहिम लोधी के खिलाफ आ गए। बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है कि उसी समय मुझे निमंत्रण मिला राणा सांगा का, ये बात सिर्फ बाबर लिखता है अपनी किताब में, बाकी इतिहासकार नहीं मानते कि सांगा का निमंत्रण मिला कि आप अटैक कीजिए दिल्ली के ऊपर, उसी समय मैं आगरा पे अटैक करूंगा और हम दोनों जो है वो बांट लेंगे, ये बात कोई इतिहासकार नहीं मानता, सिर्फ एक बाबर ही लिखता है। अगर आपसे पूछे कि बाबर को भारत में निमंत्रण किसने दिया, तो एक तो वो है दौलत खान लोधी पंजाब आरो, एक बिंगो काको आलम खान लोधी, दोनों वांगो ही जी करे। अब बाबर अटैक करेगा, दौलत खान लोधी सहायता कर रहे, बोला जा सहायता कर दूंगा, इसने अटैक किया लाहौर के ऊपर और पंजाब को भी जीत लिया। वो दौलत खां सोचियो कि पंजाब आपा नहीं देगो जीतिए, अरे उसके लाहौर और देते। इन बिचारे ने एक सुल्तानपुरा एक जगह है छोटी सी बहादुर ओ गयो कल्डो, दौलत खां लोधी। बाबर के वापस जाते इसने पंजाब में विद्रोह करने शुरू कर दिए। ये बाबर का कौन सा अटैक था, लाहौर वाला, मान गए रुकुन सो चौथो, पहला कहां था पहलो बाजोर बेरा, दूसरो पेशावर और वाह, तीसरो सियालकोट, चौथो कर दिख रहे अजय दिख रहे, चौथा अटैक जो था लाहौर के ऊपर था। और इस दौलत खां लोधी को क्या दिया गया, सुल्तानपुर और जालंधर, ए दो क्षेत्र दिया, जबकि इनको जी करे वो क्या खातर, पंजाब खातर। इन बजू दौलत खान लोधी जो है नहीं वो बाबर के खिलाफ हो जाए, बाबर वापस जाते हैं। अब बाबर ने सूचना मिला वो दे दिलावर खां का, मेरे बाप जो है नहीं वो रूस के कल्डो हो गए बैठे और विद्रोह कर ला रहे। अब आएगा बाबर पांचवें अटैक के लिए, चलो कर दिया फिर है लो भाई दोरो काम रहे। भारत में जब बाबर अटैक करेगा उसमें बाबर कहां का शासक है, काबुल का है, ध्यान रखना बाबर कहां का, वैसे तो बाबर फरगना में जन्म है लेकिन जब भारत पे अटैक करेगा तब काबुल से चल के आएगा, वो फरगना से नहीं आएगा, काबुल से अटैक करना है। तो एक दिन देखो मुहूर्त देखो भी, बाबर खुदा को बहुत मानता था, प्रत्येक जीत के बाद में वो खुदा का शुक्रिया अदा करता है अपनी पुस्तक में, खुदा ने मुझे जिता दिया ये वो हर चीज मुहूर्तों कर। तो बाबर ने जो भारतीय पहला अटैक किया था ना 1519 में टावर जामा इंदाल, इंदाल की खुशी में बोले हिंद आल यानी हिंद को जीतना, बिंगो नाम इंदाल रखा है, और भी खुशी में 1519 को पहलो अटैक करे बाबर। अब बाबर चाले को फाइनल अटैक खातर, भारत में कौन है वो है ही दुड़ गई धना है गोनिंगवा बन गयो बस बता दिया एकदम मूर्खापूर्ण काम करेगा वो सारा का सारा। इस साइड में कौन है सांगा जी, इनने कौन है चंदेरी गो मेदिनी राय, और इस साइड में कौन है अफगान। पहले तो बाबर जब भटक्यो नहीं, भटक्यो वो फिरे जो चरे या थे गांव उतारा नगर निकल गया है तो कुछ तो नयो सीखोगा, अठू थे सीकर जाओगा और नहीं सीखोगा, जयपुर जाओगा और नहीं सीखोगा, और दिल्ली उड़ जाओगा तो फिर थे तब भी को नहीं आओगा, क्यों नहीं शहर को टापर तब को नहीं आओ, फिर होशियार हो जाए तो दिल्ली जाओगा। और मन भी दिल्ली की जनता हमसे कितने साल आ गए, 20 तो 10 साल आ गए दिल्ली हमसे, 10 साल आ गए। दिल्ली में कोई जातिवाद नहीं है, वहां कोई एमएलए एमपी बन रहे नहीं, जातिवाद पर कौन बन रहे बढ़दरी, कोई जातिवाद नहीं है, पूरा भारत गाड़ियां निकाले अरविंद केजरीवाल ने काटे नहीं, जबकि दिल्ली आरा दोबर बना दियो, क्यों श्याणा है वे बन बेरो है, वो आदमी एजुकेशन में की कर सके जदीद बनाएगा, तो दिल्ली हमसे 10 साल आगे, तो दिल्ली जाओगा कुछ और नहीं सीखोगा। तो बाबर जब भटक्यो नहीं बहुत चीजा सीखियो, एक तो बा पद्धति सीखियो, लड़ाई हुई भी नहीं कौन सी तुलगमा, क्यों सीखियो उज्बेकाऊ, उज्बेक नेता बिंग तुलगमा पद्धति सीखियो। बाबर कन तोप आई, बाबर का दो खतरनाक तोप चीहा मुस्तफा और उस्ताद अली, ये नाम याद रखियो मुस्तफा प्लस, देखो नाम दो रो है लेकिन रटनो पड़ेगा,
बाबर बंदूक चलाने भी सीख रहे की कनू ईरानिया कनू। बाबर कनू बहुत अच्छी घुड़सवारी तुर्कों कनू सीख रहा किया भी सहजातीय तुर्कों की। एक उस्मानी या रूमी विधि है कभी नाम सुनिए तो उस्मानी या रूमी विधि बिंगो भी हाँ उस्मानी या रूमी की बात बिंगो भी प्रिय करो बहुत बातें देखा कि देखो कि अब बाबर भारत पे अटैक करने के लिए रवाना होगा। सागे ये टाबर टुकर से सागे ये हुमायूं भी सागे ये अटैक करने चाले हो। हिसार को जीत लिया था हुमायूं ने, ये बाबर हुमायूं की पहली जीत मानता है कि मेरे छोरो भी जवान हो गए, वो भी अच्छा काम कर लगे, दाढ़ी वाड़ी करने लग गए। हिसार को जीतने के बाद है पंजाब में वो दौलत खान लोदी ओ बटो के एक मैत्र मैत्र नाम एक दुर्ग है भी दुर्ग में लुक क्यों बड़ो। बाबर दुर्ग ने घेर गए अरविंद बारे लिया दौलत खान लोदी दो तलवारा टांग राखी बन वो दोनों तलवारा गले में बांधो पहले तो दोनों अटपका मारो लात साला घुटना नीचे टिकना चाहिए। घुटना नीचे टिकने के बाद बाबर भी निके बोले यार शर्म को नहीं आता तन्ने मैं बाप समझियो मेरो अरे तू मेरू ही विद्रोह करती हो तन की चाहिए हो तो मन ने बता दे यार इन पकड़ो अरे बेरा दुर्ग में ले जाओ इन। जैसे ही दौलत खान लोदी को रवाना किया था बीच में दौलत खान लोदी की हो गई थी मृत्यु। अब बाबर आगे की ओर चला है और आगे चलता है एक मैदान में आ जाओ कौन सो। बाबर भारत में चार लड़ाइयां लड़ेगा। पहली पानीपत कद है 1526, दूसरी खानवा 1500, तीसरी चंदेरी 1528 और लास्ट है गागरो। गागरा ही भी लड़ाई हो रही है, घागरा साड़ी सलवार क्या क्या लड़ाई हो रही है इतिहास। देखो क्या याद रखो सीधो सीधो है बाबर आयो 26 आता ही बोले पानी पीऊंगा, 27 में बोले खानो खाऊंगा, 28 में चा, 29 में गरी। चार लड़ाई है मैंने, चारवां जीतो कौन है बाबर जीतो चारवां। चलो आ जाओ इब्राहिम लोदी ने सूचना मिलेगी आ बताओ बाबर लिखा आपकी किताब में कि इब्राहिम लोदी 100,000 सेना ले गए हो बड़ी 100,000 क्यों 100,000 सेना 1,000 एक नाती है 1,000 आती बोला वे पूरे तारनगर में नावड़े को नहीं 1,000 आती 100,000 की सेना। बाबर कह अमेरिकन तो की को नहीं 12,000 सेना ही मात्र आप ही जच्चे को नहीं बात बच्चेगी होश के। बाबर जब काबुल नु चाल लियो जद 12,000 होगी जबकि बाबर आप ही किताब में लिखा है कि मैं किताब में कोई झूठ कौन बोलू अल्लाह की सोगन जी। लेकिन होश कह के बाबर जद काबुल नु चाल लियो है जद 12,000 हो गया अभी बाद में देखो पंजाब ने जीत तो आया तो सेना तो सागर और मिली होगी तो मान ये चलो बाबर कन 20-25,000 तो है एकन भी लाख ज्यादा माने 50-60,000 तो एकन भी है यानी 1:2 है। अब क्या करेगा बाबर आगे ही आगे तो 700 गाड़ियां खड़ी करती 700 पीछे लगा दिया तोप कौन कौन है तोप ची मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली शाहबाज याद है थार तो पीछे बीच में स्थान ने गुल बोला बट बाबर बाबर को बेटो कौन है हुमायूं। इस साइड में शहर है पानीपत ठीक है इधर जो तुलगमा वाली सेना खड़ी है इधर भी तुलगमा वाली सेना खड़ी है इस साइड में पेड़ पाड़ काट के खाइया खुइया बना रखी है क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले इतिहासकारों के अनुसार बाबर की सेना डरी हुई थी लेकिन बाबर की अच्छी व्यवस्था से बाबर विजय हुआ। बाबर खुद लिखे कि इब्राहिम लोदी तो आ रहे और धक्का मुक्की करके सेना खड़ी करती बी टेम अपनी हालत आई कि जब एमरजेंसी में जरूरत पड़ती नहीं जब भर्ती कर लेता बोले रे कोई आ रहे हो एक आ जाओ सेना आ जाओ। अब थे बताओ अब अपनी लड़ाई पाकिस्तान से आगे आ कह दे आ जाओ आ जाओ आ जाओ सेना में भर्ती हो जाओ बन के अनुभव हुए थे बताओ बे बिशिया ए धक्का मुक्की जब ब्याह में धक्का मुक्की करें ब्याह ले आगे बेटा खड़ा कर दिया और वो क्या कर रखे है आ है वैज्ञानिक विधि बी टेम की तो आधुनिक विधि है भी आज आधुनिक को नहीं उस समय तो ये विधि आधुनिक विधि है बढ़िया तरीकों सेना व्यवस्थित कर रखी मैदान कौन सो पानीपत को। युद्ध कद 21 अप्रैल 1526 12 अप्रैल ने सेना आमने सामने होगी लेकिन दोनों मालो कौन सो अटैक कौन करे तू चाल हो रही। अब बाबर 5,000 सैनिकों के साथ अटैक करियो ऊपर
और इब्राहिम लोदी भी जोश में तो है ही, आती को ऊपर बैठे और मैदान के मारे रोड़ो मचा रखे पूरो। 700 गाड़ियां यान पार करनो बहुत दूर काम है। उस्मानी रूमी भी दिखे वे अंग बीच में गैप छोड़े डे गाड़ियां अंग बीच है और पीछे तोप लागे डे बंग बीच पर आग लांगे तोप फेंकना गोला फेंकना। बाबा उस्मानी या रूमी भी थी यानी बाबर यहां तोपों का प्रयोग करेगा, बाबर यहां तुलगमा का प्रयोग करेगा, बाबर यहां उस्मानी विधि का प्रयोग करेगा और इब्राहिम लोदी जो वो मैदान में मर गयो। एक सैनिक को ताइर जिया तिया ढूंढ के मुंडी काट के ले किंगी इब्राहिम लोदी की बाबर का आगे पेश करियो। बाबर बठे ही बिंगो दफना गए और इंटांग से हाजिर के बनाए कर मकबरो है क्यों हैंगो दफना दे बिंग बाद के बनेगा वो जो भी है मकबरो तो गयो वो बना दियो ठीक पानीपत मैदान में। इब्राहिम लोदी की और एक विक्रमाजीत भी लड़ियो ग्वालियर को भी विक्रमाजीत कन हो एक हीरो कुणसो कोई नूर ओ हीरो आत लागियो किंग है हुमायूं गए हुमायूं ले आगे दियो पापा और पापा देखियो बोलो राव तो बहुत कीमती है तू टाबर है गमा दे को लिया मन दे दे ओ किन ले लियो कोई नूर हीरो बाबर वापस देगो थोड़े दिन वापस दियो एक कर तो कन्ने रखो वो टाबर है हुमायूं कितनी उम्र है कद हुमायूं जन 1508 कितना साल गए तो टाबर ही है तो 18 को अरे तो बाबो तो आपके छोरे टाबर ही समझे हमेशा ही तो टाबर ही तो है वो। चलो पानीपत ये लड़ाई जीतता ही बाबर हुमायूं तो कहो बेटा तू तो जा आगरा और मैं जाऊंगा दिल्ली। बाबर गठा गयो है दिल्ली निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गयो बलबनारे पर भी गयो दो तीन जगह अलाउद्दीन आरीर बे सारी कब्रिस्तान बट देख यार सारा ने बिंग बाद में बाबर आ गयो गठे आगरा। बाबर बहुत अच्छो प्रकृति प्रेमी भी हो प्रकृतियों बहुत प्रेम बाग भारत में नहीं तो शुरू करिया गार्डन जगह थे जाओ दी गार्डन बाबर ही लगाना शुरू करिया। बाबर ने काबुल की याद बहुत आती बात बात में काबुल की याद आती। बाबर को वैसे ज्यादा भारत की बड़ाई जरूर करी है भारत का आती अच्छा है फड़ा में आम अच्छो है आर बड़ाई भी करिए लेकिन बात बात में काबुल याद आ जा। एक बार तो युद्ध की योजना बन रही बी टेम बाबर गए काबुल की याद आने लागी आंसू टपकन लाग गया तो बाबर ने तुरंत ले आगे दियो के खरबूजो तरबूज तरबूज ज्यादा होते भी ने जद कोई याद मिटी जी आश्रम मोई में बाबा टेंशन में वे कबूतरी ले आगे देनी भी बाबर ने के ले आगे दे तरबूज तरबूज भी ने तरबूज ज्यादा है तुम्हें साइड देख ली गए मूवी देखी को नहीं वेब सीरीज है देखी को नहीं और कोई बात नहीं। बाबर आगरा में बैठे अब इससे पहले दूसरा जो युद्ध हुआ अब दोबारा दूसरा एक युद्ध हुआ कौन सो खानवा खानवा को आप बिल्कुल भी जिक्र कौन कराट इस युद्ध को बाबर ने क्या घोषित कर दिया था जिहाद। इस युद्ध का बिल्कुल भी जिक्र हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा जिक्र खानवा युद्ध का कर चुके हैं एक एक चीज का। खानवा युद्ध में भी बाबर विजय हुआ। अब इस साइड में पड़े है चंदेरी चंदेरी को कौन है मेदिनीरा चंदेरी एक तरीकों भारत के बीच में सीखे और कोई चीज जब बीच में हो तो एक जोड़ने को सो काम करे तो चंदेरी दुर्ग जीतना बाबर के लिए जरूरी हो। बाबर मेदिनी राय ने बोले रहा वो दुर्ग मंदे दे रिंग बदले तंसीय जगह रियासत ले लेकिन वो दुर्ग मंदे थे चंदेरी बोले कौन दियो वो मेदिनी राय बोले कौन दियो चंदेरी जो है वो पहाड़ियां गिरेड़ो है चारों मेर और वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। इन बेरो को बाबर पूछ तो सके को नहीं बाबर बड़ो के करियो गयो वो जो पहाड़ी नहीं एक रात में बंदे भी पहाड़ी ने काट दी और सुबह सेना दुर्ग आ गए मेदिनी राय देखो रहा ओके कल्पना ही कौन करेगा एक रात में पहाड़ी ने काट के बाबर तक पहुंच जागो क्योंकि तोप है बाबर कन तोप वगैरह पहाड़ी की क्या बटे काटती मेदिनी राय कन कोई उपचार कौन बच्चों 5000 सैनिका साहब मेदिनी राय करिए युद्ध। ये भारत का सबसे बड़ा जोर माना जाता है यहां इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया। मेदिनी राय की दो पुत्रियां इनके हाथ लग गई एक पुत्री तो कामरान ने दे दी बाबर एक दे दी किने हुमायूं और इस युद्ध को भी बाबर ने जीत लिया। अब एक जगह और बच गई कौन सी बच गई है गागरो गागरा नदी कौन सी जगह आगे गंगा में पड़े बेरे है देखो अफगान जगह ही नहीं अफगाना पर बाबर बिल्कुल ही रत्ती पर कोई विश्वास कौन करया करतो अन बोल तो चालाक है बहुत चालू है आम पर तो दृढ़ विश्वास ना कर लियो। चंदेरी के युद्ध में जकन थे शेरशाह नाम उजाणो
वो चंदेरी के युद्ध में बी टाइम शेर शाह नाम को नहीं है, बिंगो शेर खा नाम है, बी युद्ध में वो बाबर के साथ गए। और बाबर की एक सबसे बढ़िया अच्छी विशेषता ये थी कि वो बादशाह होते हुए भी और पार्टियां दिया करतो, यानी आपका जितना भी मुख्य सेनापति बांग सागे खाना खाया करतो, पार्टी दिया करतो। और खानवा युद्ध में बाबर सोगन खा ली कि मैं दारू कौन पीऊं, अखाई नहीं सोगन। अब दारू ने यार फिर भी बाबर ने कई बार याद आने लाई जाती, अब सोगन खाई नहीं रहेगी, लेकिन वो की पार्टी में चीज ने मिस करतो हमेशा ही। और सैनिकों के साथ भी एक तरीको बादशाह इतनी कौन है। तो एक बार काबुल का जब वो बादशाह था उस समय तुर्की साइड में गया था वो मिलने के लिए किसी से, वापस आते समय भयंकर बर्फबारी हो गई थी, जब सैनिक बर्फ हटा रहे थे तो कहते हैं कि बाबर भी उनके साथ लग गया था। तो बाबर चंदेरी की लड़ाई में शेर खां सागे ये बाबर गए अफगान है वो, शेर खां देख के बोले यार जे मन मौको मिलियो नहीं ए की को नहीं मेरा मान कदी बार तुम्हारे काट दूंगा। उस समय उसने घोषणा कर दी थी और काट भी दिया, भी हुमायूं भारत काट ही दियो शेर खां। अब पार्टी चाल रही, पार्टी चाल रही, बाबर बैठे बाबर के इली साइड में बेरम बेग बैठे और इली साइड में बैठे हुमायूं और सामने बैठे कौन है शेर खां। तो शेर खां मीट चाल रहे हो लेग पीस वगैरह पड़ी बीच में, तो कोई लेग पीस के यहाँ हाथ मारा हाथ पुग्यो को नहीं बिगो, बड़े तलवार डी मार के लेग पीस लिया गया कुछ जितनी खान लग गयो कौन है शेर खां। बाबर भी कानी देखने लाग रहे हो, तो बाबर भी बेरम बेग ने बोले रे कौन है वो खाने हुई गुन बेरो है कौन हो, बोले ये फरीद है एक अफगान है और इसने एक शेर को मारा था इसलिए शेर खां, इसकी बहादुरी के किस्से बड़े ही प्रसिद्ध है इसके। बाबर इन ने कहो हुमायूं रोटी बाद में खाई वो दिखे इतन, इसके माथे पर मुझे एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है, इसके माथे पर बादशाह की लकीरें दिखाई दे रही है, बेटा यूं बच गई रही तू। पहली सचेत करके गया लेकिन हुमायूं तो दुड़गा ही दाना को नहीं बेटी गवा, बाबा हो गए डो के डांग मानना हो वो। अब क्या है इस साइड में भी अफगानी है महमूद लोदी, अफगाना को एक गुट बने यानी संयुक्त अफगान सेना बंगाल को अफगान और महमूद लोदी संयुक्त अफगान सेना से लड़ेगा। आज की लड़ाई हुई नहीं छपरा पड़े बिहार के अंदर और बिहार में आ गंगा नदी आ घाघरा नदी है जिसकी छपरा मांगे गंगा मिले अठे या लड़ाई हुई कौन सी घाघरा का युद्ध अप्रैल मई 1529। लड़ते लड़ते सेना जो है वो पानी में चली गई थी, तो भारत का एकमात्र युद्ध जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था कौन सा घाघरा। बाबर इस युद्ध में भी हो गया विजय। अब ठीक है बाबर गठे बाबर आगरा बी साइड में झरना झरना को बहुत शौकीन, बाबर एक इसी व्यवस्था करी अठे कभी झरने की सी फीलिंग आ क्यों बाबर ने बार बार काबुल की याद बताया करती। तो आगरा के अंदर बैठे और अठी लिखा कर तो आपकी किताब कौन सी बाबरनामा, किताब लिख रहे हो नौ पत्नियां है किताब लिखती टेमी इन पत्नी सार आगे रोमांटिक बातें करने लगी क्योंकि बाबर खुद भी तो रोमांटिक हो शायरिया वगैरह कर कर तो बाबर। इतने में चारों टाबर आन लाग रहा कौन कौन हुमायूं कामरान आस्करी इंदाल थनथर बुआ जी छोरा नाम याद ना हो ऐ करना पड़ेगा। बोले चारों चांद आन लाग रहे चारों आगे खड़ा हो गया और आओ फरजंदो आओ क्या आया फरजंदो समझो फरजंद बेटा ने बोला आओ फरजंदो क्या आया आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तेरी माँ भी अच्छी शायरिया सुनाई बराबर मैं भी अच्छी आज मूड बहुत अच्छा है मांग लियो मैं थारी एक एक अगर विश पूरी करूं तो मांग लियो के विश चाहिए थाने। तो कामरान बोलो पापा मन्ने थे दे दो काबुल और कंधार मेरी बाजवाज की यानी शमशीर वे रक्षा करेगी थारे कदमा में लिया छोड़ दियो सो क्यों। बोल ठीक है डोल तो मैं तेरे जानू किसी को कदमा में लिया छोड़ दियो ले ले काबुल और कंधार। आस्करी बोल आस्करी बोले पापा फिर थे मन्ने दे दियो के संबल दे दियो ठीक है बेटा ले ले। इंदाल बोल तन्ने बोल मन्ने दे दियो मेवात बेटा तू बता। ओ बोले पापा मन्ने की कौन चाहिए थारो प्यार चाहिए थारी खिदमत चाहिए। बोले मेरे तो काम को छोरो एक ही है मेरे तो नूर है वो अठे जड़ राख्यो वो कोई नूर वो काट बोल तू मेरो नूर है रो कोई नूर राख अब तू और मेरे बाद में वारिश भी तू ही बनेगा और तेरू एक रिक्वेस्ट और है बाबरनामा में भी लिखे कि तू तेरे भाइयों सागे बढ़िया व्यवहार करी तेरा भाई कोई गलती करे तू माफ कर तो जाई। हुमायूं बड़ा पितृ भगत था बाद में देखो है इतो परेशान करे ऐ तीनों भाईड़ा मिल गए घुचो राख है पूरा हुमायूं सागे लेकिन वो आदमी माफ ही कर तो जाया। अब लास्ट टाइम में हुमायूं हो गयो भयंकर बीमार
बाइडों माचों ही को नहीं उठी जाए। पहली तो नाव में संबलू लिया यार, फिर माचे पर चार जना चक्के ले आया आगरा गंतर। अब सारा डॉक्टर वैद्य से बुला लिया, लेकिन हुमायूं ठीक नहीं हो रहे, माचे को ऊपर ही रजाई ओढ़िया सुत्यो रहे। इतने में बिल्ली साइड को एक बहुत बड़ो महान संत आयो, अंग आपने पंडित हो जा रंग के सूफी वे के बोले कर गाजी के बोले काजी, वो आयो सूचना दी के उधर से काजी आए हैं मिलने के लिए। बोले ओहो बहुत अच्छी खबर आ। तो बंग साहब बैठ के बाबर करी के करूं, मेरी तो दुआ कबूल हो रही को दी, करूं के छोरो एकदम बीमार हो रही है के करूं। वो बोलो देख बाबर, बादशाह हो यहां थोड़ी बैठो, अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुआएं भगवान तक न पहुंच के टकरा के पहले ही नीचे आ जाती है। अल्लाह जो है वो कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी कुर्बानी की चीज की, कुर्बानी हमेशा अपनी प्रिय चीज की दी जाती है। ऐसा इस्लाम में नहीं है, हिंदुओं में भी है, है हिंदुओं में। आपने जद भी गंगा जी जा, जद आपने नियम है कि गंगा जी कोई चीज छोड़ गया, पुराना बूटिया छोड़ गया, आजकल तो उत गई डी अपनी एक चीज छोड़ गया, जहां कोई चीज कोई आदमी बीड़ी पी रहे है, तो वो क्या करो गंगा जी बीड़ी छोड़ गया होगा, बीड़ी भी बहुत प्यारी है, बात चीज छोड़ गया, बोल मैं गंगा जी बीड़ी, अब मैं बीड़ी कौन पीऊ। आजकल का हो गया होशियार, जब मेरे को जाग और छोड़ गया आना पड़े नियम है, तो मैं बढ़ जाए कुआ मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, आज बैंगन में पहली ही को खाने लाग रहे हो, बैंगन नहीं खाऊंगा, बैंगन छोड़ गया मत गंगा जी जागे। तो आपने भी यार ये मुसलमान के हमेशा कुर्बानी प्रिय चीज की दी जाती है। अब तुम ही देखो भी हुमायूं की क्या प्रिय चीज है। तो एक सारे खड़े हो, वो बोले यार हुमायूं तो वो कोई नूरी रो बहुत प्यारो है। बोले यार बावड़ी बात करिए करेगे, अल्लाह का आ गएंगी क्या कीमत है, जान की कीमत जानी है। तब बाबर ने कहा कि हुमायूं तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। तब बाबर गया और हुमायूं की चारपाई के चारों ओर चक्कर लगाए गए है, हे भगवान, हे सहनशाहों के सहनशाह, खुदाओं के खुदा, अगर जान की कीमत जान ही है तो मेरे बेटे हुमायूं को सही कर दे और मेरी जान ले ले इसके बदले। कहते हैं कि उसी दिन हुमायूं ठीक होना शुरू हो गया था और बाबर बीमार होना शुरू हो गया था। थोड़े दिनों बाद ही बाबर की मृत्यु हुई और मृत्यु होते ही बाबर को यहीं आराम बाग में दफना दिया, कटे आराम बाग। लेकिन बाबर के मन में हमेशा ही क्या चाल्या कर तो काबुल। बाबर ने अपनी किताब में लिख के गया कि मुझे काबुल की जनता से बहुत प्रेम है। आपको पता है पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कहा था कि अब भटकने रसब्रू के अनुसार भटकने के दिन तो हो गए समाप्त, अब सगड़ांगी गरीबी अटकी है। उसमें उसने बाबर जद भी लड़ाई जीत तो नहीं, जी लूटमाट को दन लिया तो नहीं, वो ले जाके काबुल की जनता में बांटिया करतो, जनता से बहुत प्रेम करता था बाबर। तो बाबर पानीपत युद्ध के बाद में एक एक शाहरुख सिक्का बाबर को चलाए, एक सिक्को है तांबे को शाहरुख चांदी को, शाहरुख सिक्को भेजो काबुल की एक एक जनता खातर और बहुत धन लुटायो। जनता बोली यारी सो मस्त कलंदर बादशाह पड़ियो गठे। बी दिन बाबर ने एक नई उपाधि मिली कौन सी, कलंदर। अब बाबर ने आराम बाग में दफना दियो। अब कई साल बाद किताब पढ़ी बाबरनामा, बिम लिखेड़ो को मुझे काबुल से बहुत प्रेम है, मुझे काबुल में दफनाया गया, किंग अटेम शेर सांसुरी के टेम। अरे बेटी का बापो ओ की करियो रे, काडो जो बच्ची है वो माल पानी काडो पाछो। तो निकाल के बाबर ने दोबारा दफनायो गठे काबुल में। इसकी बीवी थी यूसुफ जई, बीवी बेगम यूसुफ जई, उसी ने उसका दोबारा दफनाया कहां, काबुल के अंदर। तो बाबर ने कैबर दफनाइडो है दो बार। अब बाबर को बेटो बादशाह बन चुकी है कौन, आपने तो कोई आनी इन कोई जानी डंकी इन आप काल पड़ांगा, क्या की समझ में आयोगे के समझ में आयो हाँ। कौन सा नाइयत किया वे, पहले बाजोर है, ये जनवरी में है, बेरा फरवरी में, हाँ ना ये जनवरी में, अलग अलग है दूरियां हैं इनके बीच, ये जनवरी 1519 में है, ये फरवरी 1519 में है। तो बाजोर में भी है, किताब में बेरा लिख देना, बाजोर में भी है और बेरा में दोनों में है, तो बाजोर पे लियो गयो बिया। तो बाबर को पहलो अटैक भारत में अबुल फजल 1505 को माने, बाकी बिया बाबर माने 1519 को। काल पढ़ांगा फिर हुमायूं।